नमस्कार, 99 न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ वैद्यरितिका गौतम। 99 न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम हर हर महादेव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को पता है कि सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और आज की बात करें तो आज सावन का तीसरा दिन है। इसी कड़ी में चलिए आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको तस्वीर दिखाते हैं देवघर की, क्योंकि सावन के महीने में बाबा नगरी देवघर की मान्यता और भी ज्यादा बढ़ जाती है और हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि देखें किस तरीके से सभी कांवरिया भक्त, सभी शिव भक्त बाबा के रंग में रंग चुके हैं। हर हर महादेव बोलबम के नारे से पूरी बाबा नगरी गूंजमान है। तस्वीर देखिए किस तरह से न सिर्फ झारखंड बिहार बल्कि पूरे भारत के अलग अलग कोनों से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और देवघर का बाबा मंदिर बोल बम के नारे से गूंज रहा है। श्रावणी मेले को लेकर लगातार तीसरे दिन श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण करने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने से पूरा मंदिर परिसर भगवामय हो चुका है। शिव भक्त बाबा मंदिर पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलाभिषेक कर रहे हैं। पुरोहितों की माने तो आज सावन का तीसरा दिन है और आज श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम है। दो दिनों के बाद नाग पंचमी है और उस दिन काफी भीड़ उमड़ेगी। श्रद्धालुओं ने सोमवार को उत्तर वाहिनी गंगा से जल उठाया है और ऐसे में चार पाँच दिनों में ये सभी बाबा धाम पहुंचने लगेंगे। इसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगेगी। श्रद्धालु भी मंदिर की व्यवस्था से काफी खुश नजर आ रहे हैं। मौसम भी काफी सुहाना है और ऐसे में लगातार कांवड़ियों के आने का सिलसिला भी जारी है। आज सावन का तीसरा दिन है और कृष्ण पक्ष तृतीया है। आज बाबा का तृतीया तिथि में श्रद्धालु उत्तर वाहिनी गंगा जी से अपना कांवर भर के पांव पैदल बाबा बैद्यनाथ मंदिर आ रहे हैं और सभी प्रांतों से बाबा के यहाँ पे आते रहे हैं। ये सदियों से परंपरा रही है और अभी जो वर्तमान समय में जो बाबा बैद्यनाथ जी की कृपा ऐसी बरसी है कि मौसम भी कांवरियों के लिए बहुत ही उपयोगी है और जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो जर्नल लाइन से भी आ सकते हैं और मंदिर की तरफ से पास का व्यवस्था है, जो 600 रुपये का शुल्क है उससे भी आप सिंह दर्शनम पूजा कर सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी श्रद्धालुओं को अपील कर रहे हैं कि बाबा की नगरी ज़्यादा से ज़्यादा आए और सावन का महीना जो पावन महीना है उसमें सम्मिलित होके अपने और अपने पूरे परिवार का कल्याण करें। अच्छा लगा मेरे को क्योंकि मैं अगली बार भी डाक में आया था, अभी मेरा छोटा भाई डाक में आया है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, हमारे को कोई शिकायत नहीं है प्रशासन। बाबा से क्या मांगते हैं हर साल आपको? बाबा से हर साल अपने माँ बाप की लंबी उम्र मांगते हैं बमजी, बस भगवान उनकी 100 वर्ष की आयु करे, हमारी भी आयु हमारे माँ बाप को लग जाए। बमजी दिल्ली से आया, भाई ने डाक में पेंशन चलाया। कितने लोग आए? कम से कम 150-200 आदमी आए हमारे। प्रत्येक साल आते हैं? 98 से आ रहे हैं। बाबा कितना मनोकामना पूरा करते हैं? बिल्कुल एकदम मनोकामना पूरा करते हैं, हर साल आते हैं। पूजा कैसा, व्यवस्था कैसा है? बिल्कुल एकदम आपकी बार व्यवस्था बहुत अच्छा बन जाएगा। अब जब देवघर के बाबा मंदिर की बात हो और बासुकीनाथ धाम की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। कहा जाता है कि अगर आप देवघर के बाबा मंदिर के दर्शन कर लिए लेकिन अगर आपने बासुकीनाथ के दर्शन नहीं किए तो आपकी दर्शन अधूरी है। बासुकीनाथ बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है जो झारखंड में ही है। आपको बता दें कि बासुकीनाथ के इतिहास को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं लेकिन कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान ये एक माध्यम बना था। क्या कुछ है इसकी कहानी, सावन में कितनी ज़्यादा इसकी महत्वता बढ़ जाती है, हमारे सहयोगी आपको बता रहे हैं, जरा देखिए इस खास रिपोर्ट में। मौजूद है बैद्यनाथ मंदिर में, लोग दूर दूर से आ रहे हैं कांवर लेकर और जो मंदिर में है भगवान अभी महादेव उनको लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करा रहे हैं, ताकि दूर दूर से लोग आ रहे हैं और लोग देखिए अपने इसी में जो है स्नान ध्यान करके
प्रभु महादेव की जो है दर्शन कर रहे हैं और जल अभिषेक कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के पंडा हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे ये जो मंदिर है उनका इतिहास क्या है और ये जो इसका नाम जो है पाताल गंगा के नाम से जाना जाता है, आखिर इसको पाताल गंगा क्यों कहा जाता है सुनिए भी जानेंगे। स्वागत है आपका हमारा न्यूज चैनल न्यूज 99 में। देखो अब गंगा है इसे पाताल गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं, आखिर इस गंगा का नाम पाताल गंगा क्यों पड़ा इस पर क्या कहते हैं? शिव गंगा है, यहाँ पाताल बाबा है जो कि महादेव शिवलिंग है, वो आगे है पाताल गंगा। तो बाबा का वहाँ एक कुंड बना हुआ है बहुत बड़ा सा, 4-5 साल में सुखता है, बाबा का आदेश जब होता है फ्लैश होता है पहले उसके बाद सुखता है, ये सुखाया जाता है 3-4 दिन 5 दिन के लिए, जितना दिन का आदेश रहता है बाबा का उतना दिन का ये सुखा रहता है, उतना दिन भक्त आते हैं दूर दूर से पूजा कर। और उसका महत्व ये है पाताल बाबा का कि जिस दिन लास्ट पूजा होता है फूल बेलपत्र जितना चढ़ा है अभी लास्ट पूजा में, जिस दिन अभी 4-3 साल बाद पूजा होगा वो फूल बेलपत्र जैसे का है ताजा जैसे रहता है, ताजा का ताजे रह जाता है, फूल बेलपत्र गलता नहीं है, बाबा का ये महत्व। ये गल ये जल जो है ये जल बाबा पे भी चढ़ता है, लोग यहाँ स्थान ध्यान कर रहे हैं, यहाँ स्थान ध्यान कर रहे हैं तो यहाँ स्थान करने के क्या फायदे हैं? हम लोग यहाँ स्थान करते हैं प्रभु जो महादेव है उनको जल अभिषेक कर रहे हैं, इनका क्या है? ये शिव गंगा है, यहाँ स्नान ध्यान करने से शुद्ध होता है, शरीर पवित्र होता है और यहाँ स्नान ध्यान करके ही लाइन में जाके या सुविधा है क्वांटर बना है जल अर्पण क्वांटर बना है, जिस हिसाब से पूजा करना है 2-3 सुविधा दिया गया है, काउंटर बना दिया गया है, लाइन सुविधा है, शासन यहाँ का बढ़िया व्यवस्था यहाँ का ठीक है। वासुकीनाथ जो मंदिर है वो अपने मंदिर के नाम से जाना जाता है, इस मंदिर का महत्व क्या है और इसका जो ये है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? इसका रहस्य समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है, ये बहुत पुराना मंदिर है और ये पुदारीनाथ दरबार, इसको भक्तों ने सब भक्त बोलते हैं पुदारीनाथ दरबार, ये सुप्रीम कोर्ट माना जाता है, यहाँ बाबा बैजनाथ धाम में दर्शन करके भक्त यहाँ आते हैं पूजा करते हैं और यहाँ मनोकामना जो मांगा जाता है बाबा को वो मनोकामना बहुत जल्द पूरा हो। आज हम आपको सनातन धर्म की एक अलग तस्वीर दिखाते हैं या फिर कहें तो अपनी एक संस्कृति की अलग तस्वीर आपको दिखाते हैं। क्या आपने देखा है कि एक ऐसी महिला जो कृष्ण की भी भक्त है और कृष्ण को लेकर वो कांवड़ यात्रा पर निकल चुकी है? जी बिल्कुल, हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। दरअसल एक महिला है जो लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लिए निकल पड़ी है महादेव के दर्शन के लिए। अद्भुत जरूर है लेकिन कहा जाता है ना कि प्रेम निश्चल है। तस्वीर सामने आई है देवघर से। वैसे तो देखिए हमेशा जो तस्वीर है वो ये प्रचलित होती है कि बेहद ही आकर्षक कांवड़ लेकर भक्त निकलते हैं, लेकिन इस बार ये महिला चर्चा का विषय बनी हुई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं जरा आप भी देखिए। हाथों में लड्डू गोपाल को लेकर ये महिला निकल पड़ी है महादेव के दर्शन के लिए। बंगाल की रहने वाली ये महिला कृष्ण भक्ति में लीन है और भगवान कृष्ण को लेकर कांवड़ यात्रा कर रही है। इसे आप गिरधर की मीरा कह लें या राधा, इन्हें आप देवकी कह लें या फिर यशोदा, प्रेम तो निश्चल है और इस कांवड़ यात्रा में कृष्ण को अपनी गोद में लेकर प्रभु महादेव के दर्शन के लिए ये महिला निकल पड़ी है। इस महिला की कृष्ण से ऐसी प्रीत है कि अपने पति के साथ कांवड़ यात्रा पर निकली है, लेकिन घर में कोई और सदस्य नहीं होने की वजह से ये लड्डू गोपाल को भी साथ में लेकर निकली है। भगवान कृष्ण को कभी अपने सीने से लगाकर तो कभी अपने कंधे पर बिठाकर कांवड़ यात्रा पर निकली है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव को खुश करने के लिए आकर्षक कांवड़ और झांकियां निकाली जा रही है, लेकिन कृष्ण की इस मीरा की दीवानगी कांवरिया पथ पर चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या बात है? नाम है लक्ष्मी दास, बंगाल कोलकाता से आए हैं। घर में कोई नहीं था, इनका सेवा जतन कौन करेगा, इसलिए हम अपना संग लेके चले हैं। लड्डू गोपाल को लेके चलते हैं। इसके पहले क्या दिक्कत हुआ था कि इनको लेना पड़ा? बेटा वगैरह सब? मेरा बेटा है, सब बड़ा हो गया है, पढ़ा लिखा सब जॉब करते हैं, तो मेरे घर में तो छोटा सब कोई नहीं है, इसीलिए हम लाए। इनको भी दर्शन कराइएगा, इनका
बाबा का दर्शन कराएंगे। जहाँ भी जाते हैं हम लोग इनको लेकर अच्छा तो और भी कहीं कहीं जाते हैं आप लोग तब लेके जाएंगे इसको लेकर जाते हैं। और इनको तो फिर कपड़ा पर भी नया पहनाती होंगी आप लोग सब सब सब। तो लड्डू गोपाल कारण यही है कि घर में कोई है नहीं, हम लोग सब चले आए बाबा धाम इसीलिए इनको साथ में लेकर आए हैं। ये अकेला घर में इसको कौन देखेगा, सेवा जतन कौन करेगा, इसीलिए इनको हम लेकर आए साथ में। तो अब उसका बाबा से भी मिलवा दीजिएगा। हाँ, बाबा से भी इनको दर्शन करवाएंगे। इनका इच्छा था दर्शन करने का, किनका इनका इच्छा है। हाँ, तभी तो आए हैं। कब बोले लड्डू गोपाल, मतलब मन में लगा है ना कि हम लोग जाते हैं इनको भी लेके जाए। ऐसे तो कई बार हमने कहानियां सुनी है या फिर धार्मिक मान्यताओं की भी माने तो झारखंड बिहार सहित पूरे भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित होती है और बहुत ही ज्यादा मान्यता रह चुकी है उस मंदिर की। कहते हैं कि उस मंदिर में आप जाएंगे तो जो भी आप भगवान से मांगेंगे वो एक बार में पूरा होता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी मंदिर में भगवान खुद उत्पन्न हुए हो? नहीं ना, थोड़ा आश्चर्य जरूर लगा, लेकिन ऐसा है। झारखंड के जामताड़ा में एक जगह है जहाँ बताया जाता है कि बहुत ही प्राचीन वक्त में भगवान शिव लिंग के रूप में खुद उत्पन्न हुए थे। कैसे और क्या है पूरी कहानी देखिए। ये तस्वीर है जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत चंदाडीह लखनपुर पंचायत की, जहाँ कहा जाता है कि साल 1705 में भगवान शिव लिंग के रूप में यहाँ पर खुद प्रकट हुए थे। तब से घाटी के राजा और उनके परिवार द्वारा यहाँ उनकी पूजा अर्चना की जाने लगी। मंदिर के पुरोहित बताते हैं कि सैकड़ों साल पहले इस गांव में सुखाड़ की स्थिति बन गई थी। तब से लोग बाबा के शरण में आए और बाबा से मनोकामना की। उसके बाद फिर यहाँ पर अच्छी फसल भी होने लगी। मान्यता है कि बराकर नदी में स्नान कर बाबा की पूजा अर्चना करने से जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर दूसरे राज्य से भी लोग पहुँचते हैं, लेकिन सावन की बात करें तो यहाँ की तस्वीर बिल्कुल ही अनोखी दिखती है। शिव भक्त यहाँ पहुँचकर बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। अब तक आप झारखंड की तस्वीर देख रहे थे, अब हम आपको बिहार की तस्वीर दिखाते हैं। बिहार के उस जगह की जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात है, बिल्कुल राजगीर की बात हम कर रहे हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सावन में राजगीर का क्या काम, राजगीर में तो ना शिव मंदिर है, फिर वहाँ इतना ज़्यादा ये सावन में फेमस क्यों हो जाता है? तो हम आपको बताते हैं। दरअसल राजगीर में ये मान्यता है कि जितने भी शिव भक्त देवघर में बाबा का दर्शन करके लौटते हैं तो वो राजगीर के गर्म कुंड में नहाते हैं। वहाँ नहाने पर कहा जाता है कि उनकी थकान दूर हो जाती है और जितने भी भक्त वहाँ पर पहुँचते हैं, इस बार सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। क्या क्या व्यवस्था की गई है और अगर आप सावन के महीने में जाने की सोच रहे हैं तो फिर ये तस्वीर आपके लिए है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं राजगीर की। हाँ, वही राजगीर जहाँ देश विदेश के कई लोग घूमने आते हैं। कभी ये अपने देश के इतिहास से रूबरू होते हैं तो कभी अपनी संस्कृति से। लेकिन सावन के महीने की बात करें तो यहाँ देश भर से कांवरियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांवरियों को बारिश के समय ठहरने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किला मैदान, मेला थाना परिसर सहित अन्य स्थानों पर विश्राम स्थल बनाया गया है, जहां 1000 से अधिक बेड लगाए गए हैं ताकि कांवरिया राजगीर पहुंचने के बाद दिन और रात में आराम कर सके। इधर बिजली विभाग भी कांवरियों को कोई कष्ट ना हो इसे लेकर कूलर पंखा लगाया गया है। बता दें कि विभिन्न जगहों से कांवरिया जो बाबा नगरी वैद्यनाथ धाम जाते हैं वो यहां पर जल चढ़ाने के बाद राजगीर पहुंचते हैं और यहां के गर्म कुंड में स्नान कर अपना थकान मिटाते हैं। इसके बाद वो सभी अपने घर लौट जाते हैं। बता दें कि पूरे सावन के महीने में लाखों की संख्या में कांवरिया यहाँ पर आते हैं। राम बोले पटेल जो है आपको 35 बरस जो है सेना में जो है सेवा करके सेना से रिटायर हुआ 2020 में, और उसके बाद फर्स्ट बार जो है ये यात्रा जो है मैंने फर्स्ट बार किया और मैंने जो है बाबा के दर्शन किए। बहुत सुगम यहाँ प्रशासन और रहने की व्यवस्था, शौचालय, पानी, सोने की, और इतना उत्तम जो है स्वास्थ्य जो है व्यवस्था हुआ कि इसमें हम बहुत संतुष्ट हुए। कहाँ गए थे और कहाँ? हम गए थे जो है वैद्यनाथ धाम दर्शन करके रिटर्न हुए। कहाँ पर आए? अभी यहाँ पर हम आए हैं ये अग्निकुंड जो है पर पहुँचे। राजगीर। हाँ, राजगीर।
कैसा लग रहा है यहाँ का व्यवस्था? यहाँ दूरी का व्यवस्था बहुत उत्तम पाया है। यहाँ पर भी सरकार को मैं सराहनी करूँगा कि यहाँ की व्यवस्था जो है बहुत अच्छा किया। रहने के लिए कूलर पंखा जो है उपलब्ध है, बिस्तरा जो है बेडशीट तकिया सब उपलब्ध है, इस तरह कम बात नहीं, ये सराहनीय है। बहुत खुश हुए हम, और हम जो है कम से कम 90 आदमी जो है एक बस करके आए हैं, और ये देख करके बहुत खुशी हुए कि हमारे रहने के लिए लेडीज हो चाहे कोई हो, शौचालय की, रहने की, सोने की व्यवस्था उपलब्ध मिली। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं मुंगेर की। मुंगेर में जरा देखिए किस तरीके से कांवरिया भक्त पहुंच रहे हैं और उनके लिए किस तरीके के साधन दिए गए हैं। दरअसल इस बार बिहार सरकार और मुंगेर जिला प्रशासन की बात करें तो कांवरिया भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा टेंट हाउस बनाए गए हैं और उसमें विशेष इंतजाम किए गए हैं। भक्त भी यहाँ पर आके बेहद ही खुश हो रहे हैं। बता दें कि एक साल से लोग इंतजार करते हैं यहाँ पर पहुँचने का, और इस बार देखिए सरकार ने भी उन्हें निराश नहीं किया है और बहुत ही खास व्यवस्था की गई है। क्या क्या सुविधाओं से ये कांवरिया पथ इस बार लैस है जरा आप देखिए। सावन के शुरू होते ही मुंगेर जिला के असरगंज से लेकर कुमारसार तक कांवर में लगे घंटों की आवाज के बीच कांवरियों का बाबा धाम जाने का सिलसिला जारी है। ऐसे में उनके विश्राम के लिए बिहार सरकार के द्वारा इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं। एक महीने तक चलने वाले इस मेले में कांवरियों को अच्छी व्यवस्था मिले इसके लिए मुंगेर जिला प्रशासन ने मुंगेर जिला अंतर्गत पड़ने वाली 26 किलोमीटर कच्ची कांवरिया पथ पर 2 टेंट सिटी का निर्माण किया है। इस टेंट सिटी में 200 बेड दिए गए हैं और हर बेड पर गद्दे, तकिया, चादर भी दिया गया है। टेंट सिटी के मैनेजर की माने तो मुंगेर जिला के कच्ची कांवरिया पथ पर 2 जगहों पर टेंट सिटी का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत 200 बेड के साथ कूलर, शुद्ध पेयजल, शौचालय और झरने भी लगाए गए हैं। हर टेंट सिटी में 20 शौचालय, 10 महिला और 10 पुरुषों के लिए। वहीं बाबा धाम जा रहे कांवरियों ने बताया कि वो 5 सालों से बाबा धाम जा रहे हैं और ये पहली बार है कि टेंट सिटी का इतना अच्छा इंतजाम किया गया है, जहां साफ सुथरे बिस्तर से लेकर पंखा, बिजली, मनोरंजन और स्वच्छ शौचालय है। ये तो पर्यटन विभाग के तरफ से लगवाया गया है, और ये पिलामिड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो सोनपुर की है, इसके ऑर्गेनाइजर है ज्ञानेंद्र सिंह, वो लगवाए हैं। और मुंगेर जिला में 2 जगह लगा हुआ है, एक खैरा में लगा हुआ है और एक दुबई में लगा हुआ है। क्या क्या व्यवस्थाएं मिलेगी यहाँ पे कांवरिया? यहाँ पे कांवरिया के लिए व्यवस्था है, नहाने के लिए है, लैट्रिन बाथरूम का सुविधा है, और फुल्ली एकदम यहाँ पे जो है बेड लगा हुआ है, साफ सफाई, चादर है, गद्दा है, तकिया है, इंटरटेनमेंट की अगर बात करें तो टीवी लगा हुआ है, और पंखा है, कूलर है। एक साथ कितने लोग यहाँ पे रुक सकते हैं, कितने कांवरिया? 200 तो बेड लगाए हुए हैं, लेकिन 200 प्लस में जाता है कांवरिया, नीचे भी लोग सो जाते हैं। कपूर से आए हैं सुल्तानगंज, सुल्तानगंज से बाबा देवघर जा रहे हैं। पैदल जा रहे हैं? पैदल जा रहे हैं। हाँ, स्टे किए हैं? ये है मनिया है। क्या व्यवस्था है, क्या आपको दिख रही है? व्यवस्था तो इतना अच्छा व्यवस्था है, देख ही रहे हैं, बेड मिल रहा है, पंखा है, प्रोग्राम हो रहा है, सब है, सब अच्छा अच्छा शौचालय भी है। आनंद लेने के लिए भजन? हाँ, नंदनी के थोड़े में शुरू होगा, पटना से कोई आई है कलाकार आई है, कैसा मजा आ रहा, आनंद आ रहा? हाँ, अच्छा आनंद आ रहा है। कांवरिया का पूरा भीड़ है, देख ही रहे हैं आप, चल रहा है कांवरिया कितना भारी मात्रा में बेड वेड लगा कर। हाँ, पहली बार क्या इसमें? हम फर्स्ट बार आ रहे हैं, हम 5 साल से आ रहे हैं, इसमें फर्स्ट बार आ रहे हैं, पहली बार टेंट सिटी। हाँ, कैसा लगा? तो आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको दर्शन करवाए झारखंड और बिहार के कुछ प्रमुख जगहों की, जहां पर आपने शिव भक्ति देखी, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से बाबा की श्रद्धा में, बाबा की भक्ति में सभी शिव भक्त लीन हो चुके हैं, उनकी आराधना में जुटे हुए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कल फिर इसी तरीके से आपके साथ जुड़ सके और कुछ अलग अलग तस्वीरें आपके साथ रूबरू कर सके। तो अभी के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी को आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। नमस्कार।